तो इस सीरीज के लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने नेसडेक का चार्ट रखा था ये वाला और मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही नेसडेक में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि नेसडेक जो है कितना जबरदस्त चलता जा रहा है ये आज से दो हफ्ते पहले की बात है जब मैंने वो वाली वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और अब आप देख सकते हो कि नेसडेक में हमारे को और भी अच्छी मूव जो है देखने को मिल रही है अब आप ये देखो कि नेसडेक वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन पूरी कर चुका है लेकिन एक चीज है जो शायद आपको नजर ना आए कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ आपको ये देखो ये आ रहा है ना जगह जगह पर जैसे ये हो गया यहाँ पर जगह जगह पर ये रुक रुक कर आ रहा है ना थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है इसी टाइप से यहाँ से ये रुकता है यहां से ऊपर आ जाता है तो ये भी किसी टाइम फ्रेम की करेक्शन है तो इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और हम देखते हैं कैसे इसमें हमारे को मूव देखने को मिलती है कैसे इसमें करेक्शन आती है पहले हम ये वाली डेट देखते हैं सत्रह मई दो हजार इक्कीस तो अब हम आते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पर मई दो हजार इक्कीस वो करेक्शन अब आप ये देखोगे कि ये डेली पर भी यहाँ पर हंड्रेड पर सपोर्ट लेकर जा रहा है सत्रह मई के आसपास जो थी ये वाली करेक्शन ठीक है अब यहां पर यानी कि ये डेली की करेक्शन पे भी नहीं है तो फिर ये कौन सी करेक्शन में अब इसके लिए हम और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और हम चलते हैं इसके चार घंटे वाले पे या एक काम करते हैं हम ना लेटेस्ट कोई एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तो रुका ही होगा जैसे ये देखो ये यहाँ पर रुका है तेरह फरवरी दो हज़ार तेईस को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चलिए अब इसके लिए हम डेली पर चलते हैं फरवरी दो हज़ार तेईस ये तो जल्दी मिल जाएगा ये रहा ये देखो यहाँ पर इसने वो वीकली पर जो था थोड़ी सी करेक्शन करी थी लेकिन वहां पर क्या किया इसने डेली पर गेट बनाया था अब देख रहे हो आप इस टाइप से डेली पर गेट बनाया था अब डेली पर गेट बनाने के बाद भी ये देखो ये यहाँ पर फिर इसने करेक्शन करी थी अप्रैल में अब इसके लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं ये देख रहे हो अप्रैल में जो करेक्शन हुई थी क्या हुआ था यहाँ पर ये चार घंटे के टाइम फ्रेम पर उसका गेट बना था तो जितने भी हमारे को ये छोटी-छोटी करेक्शन देखने को होती है आप, आप एस्ट्रल का, का वीकली चार्ट और ये हम लगाते हैं इसका डेली चार्ट। ये देख रहे हो क्या बढ़िया जबरदस्त गेट बना था और गेट बनने के बाद ये यहाँ से सीधा ऊपर रॉकेट की तरह निकल गया ये शेयर ना मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाला था कि मैंने ये शेयर आप लोगों के सामने अपने इंस्टाग्राम जो अपने टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जो जहाँ पर हम सब कनेक्टेड हैं वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ चौदह सौ नब्बे रुपये के रेंज में शेयर किया था कि यहाँ पर इसने डेली पर एक गोल्डन गेट बनाया है और अब यहाँ से और साथ ही में उस टाइम ब्रेकआउट भी आ चुका था उसके अलावा अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिला तो यानी कि हमारा जो गेट है वो भी फॉर्म हो गया पैटर्न ने भी हमें सपोर्ट कर दिया और उसके बाद हमारे को एक इवेंट भी होता हुआ नजर आ गया जो ये ब्रेकआउट आया था उसके बाद हमारे को एक जबरदस्त रैली देखने को मिली अब इन चार्ट्स में कुछ नया नहीं है सब वही है बस देखने का अब नजरिया चेंज हो गया जो प्लेटफॉर्म आपके पास है उस पर भी देख लेना बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हो ना तो चार्ट को लॉग स्केल पर देखना है जैसे ये लॉग स्केल अगर आप इसे लॉग स्केल बंद कर दोगे ना तो वो लीनियर टाइप से आ जाएगा और लीनियर पर हमें इस चार्ट को नहीं देखना लीनियर पर क्या होता है कि वो एक एक का जैसे 1800, 1700, 1600 वो एक ही रेंज का वो डिफरेंस दिखाएगा इक्वल डिफरेंस दिखाएगा जबकि लॉग जो होगा ना वो परसेंटेज वाइज होता है अब अगर आप इसको छोटा करोगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे को एक बार मैं वीकली पर दिखाता हूँ आपको लॉग और लीनियर का सिर्फ मतलब समझाने के लिए ये देखो यहां पर देख रहे हो ना ये परसेंटेज वाइज इंक्रीज हो रहा है लेकिन अगर आप यहीं पर इसको ऐसे कर दोगे ना तो अब आप देखो कि अठारह सौ सो, सोलह सौ सो, बारह सौ हजार फिर जैसा आप जूम करते जाओगे अब ये जो एक बॉक्स बना है ना ये वाला ये ये वाला बॉक्स ये इक्वल है यानी कि जितना ये बॉक्स है उतना ही ये बॉक्स है लॉग स्केल पर आ जाओ अब आप देखो अब ये भी इक्वल है लेकिन अब ये परसेंटेज वाइज इक्वल है कि जितना प्रोपोर्शन इसका है ये उतना ही प्रोपोर्शन इसका भी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहां पर एक तो ना आप बड़ी रेंज जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अब वीकली पर आप देखोगे ना तो यहां पर एक बड़ा सा डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है और ये अभी फिलहाल ब्रेकआउट देकर ही बैठा है अब देखो मैं आप लोगों के सामने ना या तो टेलीग्राम पर या अब जैसे मैं वीडियो बनाते बनाते मुझे कुछ चीज नजर आ गई तो मैं वो सब चीजें जो है आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ तो लॉग स्केल होता है परसेंटेज वाला चार्ट और लीनियर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू वाला चार्ट अब मैं आपके सामने पहले के जो पॉइंट्स है वो एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो अभी तक हमने कुछ मेन पॉइंट्स नोट डाउन करे थे ना वो सब सबसे पहला था कि सारी करेक्शन 200 के मीन पर आकर खत्म होगी सिर्फ एक वीकली वाला एक्सेप्शन था वो भी हम बाद में बात करेंगे तो सबसे पहला मेन पॉइंट था कि जितनी भी करेक्शन है ना वो दो के मीन पर आके खत्म होगी उस टाइम फ्रेम के सेकेंड पॉइंट था कि जो करेक्शन किसी भी टाइम फ्रेम को काटेगी वो अगले टाइम फ्रेम पर जाएगी जैसे अगर उसने डेली पर काटा जैसे अगर उसने यहाँ पर डेली पर काटा तो अब वो अगले टाइम फ्रेम पर जाएगी यानी कि अगले टाइम फ्रेम का 200 का मीन आएगा ही आएगा तीसरा थर्ड पॉइंट था कि जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली वाला उस पर 10 परसेंट स्टॉक्स बहुत मुश्किल से जाएंगे या जाएंगे ही नहीं और अगर गए भी तो बहुत सालों बाद जाएंगे अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पर और फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस से रिलेटेड तो इसे नोट जरूर करें कि जब भी एक टाइम फ्रेम का गेट ब्रेक हो गया जब भी एक टाइम फ्रेम का गेट ब्रेक हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस होगा गेट का लोअर पार्ट ये वाला पार्ट यानी कि अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहीं से घूम गया ना तो हम इस लेवल के नीचे जो है काट देंगे इस लेवल के नीचे ये हमारा गेट का लोअर पार्ट हो गया और अगर एक बार ये स्टॉक ऊपर निकल गया तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा अब हमारा क्या ये वाला स्टॉप लॉस होगा नहीं अब उसके लिए क्या करना है ध्यान से सुनिएगा कि मान लो एक बार ये टाइम फ्रेम पर जैसे डेली पर हम देख रहे हैं तो एक बार ये यहाँ से गेट जो है वो ब्रेकआउट हो गया तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा अब आप उसे लिखो नोट डाउन करो जिस टाइम फ्रेम का गेट ब्रेक हुआ है ऊपर या नीचे की तरफ जब पोजीशन बनाई है तब हमारा स्टॉप लॉस होगा ये 200 वाला पॉइंट 200 की मूविंग एवरेज लेकिन अगर यहाँ से चलना शुरू हो गया तो हमें ट्रेल कैसे करना होगा बहुत ही सिंपल तरीका है तो जब ये हमारा स्टॉक ऊपर जाने लगा अब हमें ट्रेल कैसे करना होगा तो जो उससे जस्ट छोटा टाइम फ्रेम है ना उसको दो का पॉइंट हमारा जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा जैसे अगर उसने डेली पर यहाँ पर ब्रेक किया तो अब हमारा स्टॉप लॉस होगा ये चार घंटे वाला चार घंटे की 200 मूविंग एवरेज जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा जैसे अगर किसी स्टॉक ने वीकली पर काटा और ऊपर निकल गया तो अब मेरा स्टॉप लॉस होगा जैसे ही प्राइस इसको जैसे ही प्राइस गेट को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा एक छोटे टाइम फ्रेम वाला जो जस्ट उससे छोटा है उसका दो का मीन और जैसे ही प्राइज ने दो के मीन के नीचे काटा जैसे अब मैंने डेली पर आपको दिखाया कि डेली पर हमारा वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला तो अब हमारा स्टॉप लॉस होगा चार घंटे की दो सौ मूविंग एवरेज जैसे ही उसने दो सौ के मूविंग एवरेज को नीचे काटा मैं यहाँ से बाहर हो जाऊंगा जैसे अब अगर प्राइज ने यहाँ चार घंटे में गेट बनाया तो अब मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा तीन घंटे वाला ये सारा टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिया था कि किस किस हिसाब से टाइम फ्रेम चलते हैं सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है एक मिनट का वे सेकेंड्स वाले को छोड़ के उसके अलावा उसके बाद होता है तीन मिनट का फिर पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट फिर उसके बाद आता है आधा घंटा फिर पौना घंटा एक घंटा फिर उसके बाद आता है तीन घंटा चार घंटा चार घंटा भी अगर पार हो गया तो हमारा आता है डेली देन वीकली देन मंथली ये सब पूरा चार्ट जो है ना मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ तो एक बार अगर आप लोगों को चार्ट नहीं पता तो आप इस फोटो, फोटो को आप इसका स्क्रीन लेके रख लो कि इस टाइम फ्रेम से जो है छोटे से बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया जाता है चलिए अब हम एक बार और कोई एग्जाम्पल देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि मैंने इस स्टॉक में अभी अभी फिलहाल एंट्री करी है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें वीकली में हमारे को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा लेकिन अगर आप डेली पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने अभी गेट बनाया था और गेट बना के ये ऊपर चला गया तो अब गेट बनाया और ऊपर चला गया जब तक ये गेट बना ब्रेकआउट आया तो यहाँ तक तो मेरी जब मैंने बाय किया तो इस लेवल तक तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया ये दो की मूविंग एवरेज अब जैसे ही इसने इस लेवल को पार कर दिया ना तो अब मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा इससे एक छोटे टाइम फ्रेम वाला उसका 200 का एवरेज जैसे अब मैं यहां पर गया और मैंने इसको कर दिया डेली पर मेरा सिग्नल आया तो मैं अब अपने चार घंटे के 200 के मीन पर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखाता हूँ और कोई चार्ट जैसे ये है आरती ड्रग्स का चार्ट और मैं इसका देखता हूँ वीकली चार्ट अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि दो का मीन जो है ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाला है यहाँ पर हमारे को ब्रेकआउट की ज़रूरत है बस ब्रेकआउट आते ही हम यहाँ से अपना पोजीशन जो है वो बना सकते हैं ये है ब्रेकआउट का लेवल ये है ब्रेकआउट का लेवल और इसके ऊपर जाते ही हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं तो अब अगर जैसे हमने यहाँ पर तो जैसे हम यहाँ पर वीकली पर बाय करेंगे और अगर वो इसी रेंज के आसपास घूम रहा है तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो दो की वीकली की मूविंग एवरेज होगी और जैसे ही वो एक बार इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा डेली का इस टाइप से डेली का गेट का जो हमारा डेली का जो 200 मूविंग एवरेज होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अब इस चीज से फायदा पता क्या है इसका मतलब पता क्या है आपका ट्रेड जो है हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा इसमें आपको अब कभी भी नुकसान नहीं हो सकता जब भी आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करोगे ना हमेशा प्रॉफिटेबल ही करोगे अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि सिलेक्शन कैसे करनी है अब आपको सिलेक्शन का समझ आ रहा होगा कि किस टाइप से हमें कौन कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ हैप्पीस्ट माइंड्स का ये देखो ये है अभी हैप्पीस्ट माइंड का पाँच मिनट का इंट्राडे चार्ट अब आप यहाँ देखो यहाँ पाँच मिनट पर उसने गेट बनाया गेट बनाने के बाद हमारे को अच्छा इसका ब्रेकआउट वगैरह जो है आपको हमेशा लाइन चार्ट पर देखने तो गेट बनाने के बाद हमारे को ब्रेकआउट कहाँ देखने को मिला इस लेवल के ऊपर ये पाँच मिनट का चार्ट है नौ पर जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया आप देख सकते हो कि इसका लेवल क्या हो गया ये इसने ब्रेकआउट दिया था 20 जून 20 जून को यानी कि कल और आज आप देख सकते हो कि ये लगभग हज़ार रुपये का रेट हो चुका है नौ सौ छियानवे रुपये का तो ऐसी तेजी जो है हमारे को गेट फॉर्मेशन के बाद देखने को मिलती है अभी लाइव मार्केट चल रही है तो आप इसमें ट्रेड्स के जो है देख सकते हो क्या लेवल चल रहे हैं नाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल अब इसको हम नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं अब चलते हैं हम पंद्रह मिनट पर पंद्रह मिनट पर भी उसने यहीं पर इसी लेवल के आसपास ब्रेकआउट दिया था लेकिन वो इसने दे दिया था लगभग बीस जून के आसपास वो भी इसने बीस जून को दिया ठीक है तो यहाँ पर हमारे को वापस वैसी मूव देखने को मिली नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टाइम फ्रेम पर ये यह देखो यहाँ पर भी यही सूरत हाल चल रहा है देखो कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था लगभग छः जून से लेकर उसने बीस जून तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया पंद्रह पंद्रह दिनों के आसपास की यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पर आ गया ब्रेकआउट ऐसे ही हम अपना टाइम फ्रेम जो है वो स्किप करके और आगे चलते हैं अब आप देखोगे कि डेली पर यहाँ पर हमारे को एक गेट देखने को मिल रहा है ये कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही शेयर कर देता हूँ तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे को एक ज़बरदस्त जो है गेट देखने को मिल रहा है उसके बाद यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट भी आ गया है अगर किसी ने यहाँ पर भी देखा तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है ब्रेकआउट आया था नौ सौ तैतीस रूपये की रेंज में और उसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे को एक अच्छा खासा मूव भी देखने को मिल चुका है अब वीकली पर देखोगे तो वीकली पर आपको फिर ऐसे ही कुछ नजर आ जाएगा यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर उस टाइम ये अभी फिलहाल दो सौ की जो मंथ वीकली बेसिस पर टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज की लाइन नहीं आई है यानी कि अभी इस स्टॉक को इस मार्केट में लिस्ट हुए दो सौ हफ्ते नहीं हुए हैं तो इसलिए हमें दो सौ वाली मूविंग एवरेज नजर नहीं आ रही है बट एनी वेज हम उसको देख सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही इसने यहाँ पर डेली पर काटा तो यानी कि अब ये वीकली के दो सौ को टच करके आएगा ये तो कन्फर्म है ही है और इस शेयर में अब हमारे को लगभग दो साल के आसपास जो है टाइम स्पेंड बिताना पड़ेगा अगर आप इसमें फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो दो साल तक अभी इसको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा यहाँ पर इसने ब्रेक किया था इस जगह पर और उसके बाद देखो ये डेट थी इसकी फरवरी 2022 के आसपास अब आप देखो कि यहाँ पर इसने ब्रेक किया ये एरिया में इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया और उसके बाद वापस से जो था पूरे टाइम नीचे ही गिरता रहा इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया और इसने यहाँ पर इसके बाद फिर प्राइस वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया वो कहता है कि मूविंग एवरेज जो है मेरे पास आए और मैं अपना यहीं पर खड़ा हूँ और जैसे ही उसने ब्रेकआउट देना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे को स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली अभी देखने को मिल भी रही है और आगे भी मिल सकती है अब हम क्या देखते हैं टीवी पर कि लोग चिल्लाते रहते हैं कि इस शेयर का 200 आ गया इस शेयर का 200 आ गया ये 200 के नीचे चला गया उस शेयर वो शेयर जो है दो के ऊपर आ गया अरे भाई आया है तो किसी टाइम फ्रेम की करेक्शन की वजह से आया होगा ये एक एक कैंडल के दिखा के डराते थोड़ी है ये लोग ना एक एक कैंडल देखते हैं अभी दो सौ के ऊपर आ गया अभी नीचे चला गया ये दो सौ के नीचे चला गया अरे यार ऊपर आया अरे यार ऊपर नीचे तो करेगा ही, तभी तो मीन इकट्ठे होंगे हमें ऊपर नीचे को नहीं देखना प्रोसेस को देखना है और प्रोसेस क्या है प्रोसेस है ये गोल्डन गेट बनना अब ये गेट गोल्डन क्यों है क्योंकि इसके इस गेट के खुलते ही ढेर सारा पैसा है किसी भी साइड में हो अब ऊपर की साइड खुले तो भी हमारा ढेर सारा पैसा है नीचे की साइड खुले तो भी ढेर सारा पैसा है अब आप देख सकते हो ऊपर वाले एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को कई सारे दिखा दिए अब आप देखो यहाँ पर यह नीचे का एग्जाम्पल मैं से देता हूं एक बार और इसको ले आता हूँ कैंडल्स पर अब आप देखो शेयर जो था यहां से नीचे गया वापस ऊपर आया क्योंकि तो यहाँ पर सारे मीन खुल गए शेयर एकदम से करेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर मीन पर 200 के मीन पर काम किया और वापस से उसके बाद वो नीचे चला गया लेकिन अब की बार वो उससे पहले वाले से भी ज्यादा नीचे गया और अब वापस से यहाँ पर मीन्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर एक अच्छी रैली हमारे को देखने को मिल रही है तो इसीलिए ये गेट गोल्डन इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये गेट खुलेगा इसके बाद हमारे सामने ढेर सारा पैसा है किसी भी साइड में वो हमें फर्क नहीं पड़ता अब कोई कहता है कि सर आपको भी बुलिश हो जाते हो कोई कहता है कि आप बड़े बियरिश रहते हो भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो जिस जिस जैसा मुझे चार्ट दिखाएगा ना मैं तो वैसे चलूँगा अपने को तो पैसे से मतलब है जहाँ जिस साइड पर चार्ट बोलेगा हम उस साइड पर चल पड़ेंगे है ना इंटरेस्टिंग चीज़ अब यही चीज़ आपके सामने पहले भी थी लेकिन तब हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है लेकिन अब और आज के बाद अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना अब तो आप किसी भी टाइम फ्रेम की करेक्शन को पकड़ सकते हो और करेक्शन पकड़ के ट्रेंड से पहले बैठ भी सकते हो एक बार आप ट्रेंड की स्टार्टिंग में बैठ गए फिर तो मौजा ही मौजा तो बस ये करना है आपको अब एक एक चार्ट में आपको और दिखाता हूं वो है एच बैंक का ये देखो ये है चार्ट यहाँ पर इसने डेली के मीन को काटा यहाँ पर डेली के मीन काटा पहले तो यहाँ पर सपोर्ट लिया उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया वापस ऊपर नीचे हुआ लेकिन जब उसने इसको डिसाइसिवली काट दिया यानी कि अब उसने वीकली के दो वीकली के टू हंड्रेड पर आना ही आना है एक तो ये एक्सीडेंट था इसको तो हम छोड़ देते हैं कोई बात नहीं ये यह देखो यहाँ पर आया काम किया दो पर उसके बाद वापस से यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला और वापस से निकल गया वो शेयर अब ब्रेकआउट कहाँ होगा ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पर ये यह है वीकली चार्ज वीकली चार्ट में हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा कुछ इस लेवल के आसपास और अभी ये फिलहाल उसी लेवल के आसपास चल रहा है ब्रेकआउट ये एक बार एक दो बार दे भी चुका है और अगर कोई बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है तो वो क्या कर सकता है वो इस लेवल के ऊपर अपना ब्रेकआउट लेवल मान सकता है जैसे ही शेयर सोलह सौ के ऊपर जाएगा आप यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजिशन बना सकते हैं ये किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अगर नई पोजीशन बनानी है तो आप सोलह सौ नब्बे रुपए सत्रह सौ रुपए के ऊपर जैसे ही हमारे को वीकली क्लोज देखने को मिलता है वहां पर आप अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं चलिए अब आते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पर और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एच डी एफ सी बैंक में हमारे को एक गेट देखने को मिल रहा है पहले भी ये दो सौ पर आया था लेकिन ऊपर जाने की कोशिश भी करी लेकिन वापस से नीचे आ गया क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो मैंने आपको कहा ही है कि वो एकदम से ऊपर भागेगा नहीं उसको पहले एक दो बार यहाँ पर काम करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा उसके बाद ही वो अगला जो है अपना ट्रेंड दिखा सकता है अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल खोलने लगा हूँ एक चार्ट खोलने लगा हूँ उसे देखते ही आपके मन में जो भी डिसीजन बने ना वो बस आपको नोट करना है और अगर हो सके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है वो मेंशन भी कर सकते हो बस आपको क्या करना है आपको इसमें जो भी मैं आपका अब चार्ट दिखाने वाला हूँ ना उसमें आपको सिर्फ पहली नजर देखते ही अगर आपने वीडियो सारी देख रखी है ना तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि अब हमें इसमें करना है कि नहीं करना चलिए देखते हैं अगर तो आपने ये शेयर सही पहचान लिया फिर तो इस सीरीज देखने का कोई फायदा है या फिर ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसका कोई फायदा है और ये चार्ट में अब आपके सामने जो लगाने वाला हूं वो है बी का चार्ट बोले खोलते हैं जो आंसर दिमाग में आए वो सोच लेना और अगर सच्चा जवाब देना चाहते हो तो ये भूल कर कि बाकी सब लोग क्या सोचेंगे बस अपना जवाब दे देना तो चलिए अब मैं मारने लगाऊँ इस पर एंटर ये आ गया हमारे सामने बीएससी का चार्ट अब आप मुझे दस सेकंड के अंदर बताओ कि इसमें क्या हो सकता है अपना आंसर सोच लो चलो कोई बात नहीं मत बताओ टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए अब आपका टाइम अब आपको ये चार्ट क्या कह रहा है अब आप अपने आंसर जो है ईमानदारी से नोट डाउन कर लेना अगर लिख सकते हो तो लिख के भेज देना आप नहीं तो अपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार यहाँ पर ईमानदारी से अपने आंसर जो है वो लिख लेना अपना सोच लेना आया कुछ दिमाग में बजी घंटी अब अगर आपकी घंटी बजी तो मतलब अब तक जो आपको मैंने बताया वो सब ठीक है और आपको अच्छे से समझ भी आया है इतना ही बहुत है बस मेरे लिए जिन लोगों की घंटी नहीं बजी या तो आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस ही नहीं है अब अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर तो क्या ही कहना लेकिन अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो आज ही पूरी सीरीज देखें स्टार्टिंग से आंखें खुल जाएंगी सच्ची कह रहा हूं मैं आपकी अब ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं या हम टेलीग्राम पर भी देखते हैं मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक शेयर भी डिस्कस किया था मैं आपको बता देता हूं एक सेकंड मैं ज़रा चेक कर लूँ कौन सा शेयर मैंने बताया था देखता हूँ अगर कोई स्क्रीनशॉट ले पाया ना तो वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा हम्म एक मैंने शेयर आप लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस किया था वो था एल एंड टी फाइनेंस का ये है वो एरिया ये भी नहीं है ये मैंने वीकली चार्ट पर शो किया था ये देखो ये है एरिया जहाँ पर बना हमारा गोल्डन गेट ब्रेकआउट आया इस लेवल के ऊपर लगभग नब्बे पचानवे रुपये के ऊपर और उसके बाद हमारे को एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली इसने यहाँ पर 200 के वीकली जो था वो काटा तो अब यानी कि मंथली पर आएगा मंथली पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने 100 के मूविंग एवरेज को भी काट दिया यानी कि ये यहाँ पर भी पूरी करेक्शन करके आया शेयर की करेक्शन देखो अब 2017 से स्टार्टिंग थी शेयर ने करेक्शन स्टार्ट करी थी अगस्त दो से और यहाँ पर आप देख सकते हो कि छः साल हो चुके हैं हमारे को इस शेयर में करेक्शन देखते हुए वीकली पर हमारे को अगर हम देखें तो वीकली पर हमारी करेक्शन कब स्टार्ट हुई थी वीकली बेसिस पर हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई थी वही दो हज़ार सत्रह में तो अब आप देखो कि यहाँ पर इतनी बड़ी करेक्शन के बाद अब हमारा गोल्डन गेट जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी थी यही नाइन्टी फाइव के लेवल्स के अराउंड इन्हीं लेवल्स के आसपास मैंने शेयर करी थी और अब आप देख सकते हो इसके रिज़ल्ट एक सौ पच्चीस रुपये का शेयर हो गया है कितने टाइम में मैंने ये शेयर करी थी लगभग मई के आसपास पंद्रह मई के अराउंड पंद्रह अठारह मई के आसपास और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को लगभग बीस से पच्चीस परसेंट का रिटर्न ऑलरेडी देखने को मिल चुका है अब ये जो सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ या जो हम टेलीग्राम पर भी देखते हैं वो सब स्टडी पर्पज से है किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है तो अगर आप स्टॉक में काम करना चाहते हैं या किसी भी टाइप के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बस आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं उसके बाद ही आप किसी भी शेयर में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के अपना डिसीजन लें अब आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर ये हमारी चीजें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं अब बैंक एफडी में हमारे को छह से सात परसेंट का रिटर्न मिलता है और यहाँ हम पैसा डबल करने की बात कर रहे हैं ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं जब वीकली बेसिस पर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना हमारे को गेट ओपन होता है तो यहाँ से हमारा पैसा जो है ऑलमोस्ट टू 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 थ्री टाइम्स तो हमारे को रिटर्न देखने को मिलता है और अगर डेली चार्ज की बात करें तो डेली पर जैसे ही करेक्शन कम्पलीट होती है ना यानी कि ये मूवमेंट हमारे को गेट जो है बनता हुआ नजर आता है गेट का ब्रेकआउट आते ही यहाँ पर 40 से 50 परसेंट का रिटर्न तो हमारे को डेली बेसिस पर करेक्शन दे जाती है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डबल पैसा होने की ट्रिपल पैसा होने की 10 10 गुना भी पैसा करते हैं अगर हम वीक मंथली चार्ट्स पर काम कर रहे हैं तो अगर आप ये चीजें सीख लो तो आपकी ट्रेडिंग का लेवल जो है वो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा बस आप ना जिंदगी के दो साल आप इसे दे दो उसके बाद आप पैसे के लिए नहीं पैसा आपके लिए काम करेगा तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी ना तो जहाँ पर बैठे हो ना बस वहीं पर ताली बजा देना और अगर अच्छी लगी है तो साथ में इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज़ को जो है पूरी प्ले को जो है दबा के शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक का इस इंडिकेटर का इस सिस्टम का जो है वो फ़ायदा उठा पाए अगर एक बार ये सिस्टम दिमाग में घुस गया ना तो फिर आपको कभी भी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी अब आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सीधा बड़े पैसे के साथ नहीं घुसना पहले आपको इसमें थोड़ा टाइम बिताना है धीरे धीरे करके अपना पैसा ग्रो करना है धीरे धीरे करके पहले इस सिस्टम को समझना है जब एक बार ये सिस्टम आपको समझ आ जाए ना उसके बाद आप इसमें अच्छा पैसा बड़ा पैसा जो है वो लगा सकते हैं बट उससे पहले कम से कम तीन छः दो तीन महीने जो है ना इस सिस्टम को सिर्फ समझने के लिए लगाएं और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आप अपना पैसा जो है इनक्रीज करते जाएं तो चलिए आज के सेशन में इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में इसी सीरीज के अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आज हमने स्टॉप लॉस किस टाइप से लगाया जाता है उसके बारे में समझा कि हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है स्टॉक्स को सिलेक्ट करना तो हमने लास्ट वीडियोज में देख लिया था लेकिन उसमें अब हमारे को स्टॉप लॉस कैसे लगाना है तो मैंने आपको दोनों बताया कि अगर आपको स्टॉप लॉस जब आपने इनिशियली आपने परचेजिंग करी है तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए तो जैसे आपने डेली पर यहाँ पर ब्रेकआउट आया डेली बेसिस पर तो आपने स्टॉप लॉस अपना रख लिया 200 के मूविंग एवरेज पर और अगर एक बार स्टॉक ही आपकी साइड पर आपके फेवर में चलना चालू हो गया तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस रखना है जस्ट इससे जो छोटा टाइम फ्रेम होगा ना उसका 200 की मूविंग एवरेज बस इस टाइप से अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ना तो आप जिंदगी में कभी भी लॉस में नहीं ट्रेड करेंगे कभी भी आपकी लॉस में एग्जिट नहीं होगी आप हमेशा आपका ट्रेड जो है हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा ऐसी और भी हम ट्रेडिंग आइडियाज जो है अपने टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा आप वहां पर जाकर आज ही अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें वहां पर भी हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो है वो शेयर करते रहते हैं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो कोई भी नया सेशन जो है जैसे ही अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में अगले सेशन में तब तक के लिए बाय बाय